फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बटर चिकन। बटर चिकन का नाम सुनते ही तो मुंह में पानी आता है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं बटर चिकन बनाना। सबसे पहले हम कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में बटर ऐड करेंगे और उसके बाद बटर गर्म हो जाए तो फिर हम गैस ऑफ कर देंगे। और उसके बाद 1 टेबल स्पून बेसन और 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। उसको अच्छे से भून लेंगे। भुनने के बाद हम एक कप में 5 से 6 स्पून दही लेंगे। दही में वो जो गरम बेसन था उसको ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे, लम्स ना रहे, बिल्कुल इस तरह। अब इसमें हम अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और उसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसमें चिकन ऐड करेंगे और फिर इसके बाद हम ऊपर से गरम मसाला ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून और उसको फ्रिज में रख देंगे 1/2 घंटे के लिए। चलते अपने मसाले की तरफ। 4 से 5 कांदा, 3 टमाटर, लहसुन अदरक, काजू, अमूल बटर और मलाई। ये मलाई मैंने घर का लिया है फ्रेश, आप चाहिए तो बाहर से भी ले सकते हैं और आप चाहे तो घर से भी ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई में मैंने बटर तेल डाला है। अब इसके बाद हम बटर ऐड करें ताकि हमारा बटर न जले। और उसके बाद हम कांदा ऐड करेंगे। कांदा को ज़्यादा रेड या जलाना नहीं है, लाइट पिंक तक ही रखना है इसको। देखिए इस तरह से हल्का। और फिर इसके बाद हम इसको लहसुन और अदरक ऐड करेंगे। इसमें लाल मिर्च ऐड करेंगे, इसको अच्छे से भूनेंगे। इसके बाद हम काजू ऐड करेंगे। काजू ऐड करने के बाद हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर ऐड किए इसके बाद टमाटर ऐड करने के बाद तो नमक हमें ऐड करना ही पड़ेगा, तो टमाटर गलेगा कैसे। चलिए अब हम इसमें नमक ऐड कर दिए हैं। अब इसको अच्छे से हम ढकेंगे थोड़ा पानी डाल के। अब इसको हम इस स्टेज पर ढक देंगे ताकि, और स्लो करेंगे फ्लेम ताकि अच्छे से पक जाए हमारा अदरक लहसुन सब अच्छे से पके। ये देखिए अब इस स्टेज पे वो धनिया पत्ती की जो डंडी रहती है ना उसको ऐड करेंगे। इसको डालने से ग्रेवी बहुत टेस्टी आती है। अब इसको ऐड करेंगे और फिर वापस हम ढक देंगे 10 मिनट के लिए। इसको वापस पकाएंगे तो ये टमाटर की जो स्किन है ना वो निकल जाएगा। अभी स्किन नहीं निकल रही, ये देखिए, ये देख रहे हैं ना 10 मिनट के बाद कैसा टमाटर की स्किन निकल रहा है। अभी इस स्टेज पर हम इसको निकाल लेंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। कढ़ाई लेंगे और उसमें तेल ऐड करेंगे। गरम हो गया हमारा तेल, अब इसमें चिकन ऐड करेंगे। चिकन को हम अच्छे से फ्राई करेंगे। ये देख रहे हैं ना, बेसन की वजह से हमारा चिकन पानी नहीं निकल रहा है, इसमें से जूसी नहीं बन रहा है बिल्कुल। और आप प्रॉपर एकदम अच्छे से सूखा हुआ है। अब इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे, थोड़ा आधा पक जाए तब तक। अब इसमें हम इसको निकाल लेंगे। अब कढ़ाई में हम बटर लेंगे, तेज़पत्ता, छोटी इलायची, दालचीनी और इसके बाद हल्दी पाउडर डालेंगे और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और इसको अच्छे से भूनेंगे। फिर उसके बाद वो मसाला हमने ऐड किया था ऐड करेंगे। इसको अच्छे से हम भूनेंगे और वो जो मिक्सर में मसाला ऐड था ना उसमें थोड़ा पानी से देखिए, पानी भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ये देखिए इस तरीके से। अभी हम इसको अच्छे से भुनेंगे जब तक तेल ऊपर ना आ जाए। फिर इसमें हम 3 टेबल स्पून टोमेटो सॉस डालेंगे। टोमेटो सॉस डालने से तो टेस्ट तो बहुत ही टेस्टी आती है, आप बना के एक बार ट्राई करो। अब इसमें हम चिकन ऐड करेंगे। ये देख रहे हैं ना, तेल भी हमारा लमसम बाहर ही आ गया, ऊपर ही दिख रहा है अभी। इसमें कस्तूरी मेथी ऐड करेंगे और इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून गरम मसाला ऐड करेंगे और वो मलाई जो था फ्रेश हमारे घर का वो मलाई में ऐड करेंगे। मलाई ऐड करने के बाद थोड़ा इसको भुनेंगे। ये देखिए हमारा बटर चिकन रेडी हो गया है। इंजॉय।